फर्श पर चारों तरफ बिखरी हुई यादें मेरे घर में किसी मेहमान का सामान पड़ी है। ये मेरे दोस्तों का हुक्म था, तो ये सारा जो कलाम है इसको मैंने गुरुमुखी में छाप दिया है। इनका डॉक्टर सिद्धू साहब का भी हुक्म था, तो इनको मैंने गुरुमुखी एक फॉर्म में छाप दिया। पड़ी है फर्श पर चारों तरफ बिखरी हुई यादें मेरे घर में किसी मेहमान का सामान बाकी है। मेरे मरने पे तुम रुसवा न करना मेरी मैयत को, मेरे मरने पे तुम रुसवा न करना मेरी मैयत को। कहो यारो तुम्हारा अगर कोई एहसान है, मेरे मरने पे तुम रुसवा न करना मेरी मैयत को। कहो यारो तुम्हारा अगर कोई एहसान बाकी है। कफन अपना सिया मैंने खुद गुर्बत के धागों से, कफन अपना सिया मैंने खुद गुर्बत के धागों से। चले आजाद लेकिन अब हमारी शान, कफन अपना सिया हमने खुद गुर्बत के धागों से। चले आजाद हम लेकर हमारी शान बाकी है। पड़ा हूँ लहर में हूँ पड़ा लेकिन अभी कुछ जान बाकी है। कसस के साथ कोई लिपटा हुआ अरमान बाकी। सफर का वक्त है लेकिन निगाहें बंद नहीं होती। किसी संग दिल के आने का अभी बाकी है। पड़ी है फर्श पर चारों तरफ बिखरी हुई और मेरे घर में किसी मेहमान का सामान बाकी है। मेरे घर में मेरे मरने पे तुम रुसवा न करना मेरी मैयत को। कहो यारो तुम्हारा घर कोई एहसान बाकी है। कफन अपना सिया हमने खुद गुर्बत के दागों से। चले आदाल लेकर हमारी शान बाकी है। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था कि आजाद साहब के कलाम में भी आपको उतने ही ख्यालात की आजादी मिलेगी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आजाद साहब और बहुत खुशी हुई आपको देख के। और मुख कहे मैंने अर्ज किया कि जबान की कैद अपनी जगह से ही, मगर एक जबान पे अपने आप को तारी करके लिखना बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया एक बार फिर तालियां जनाब आजाद साहब।